हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सर्वज्ञ एकेडमी में। आज की क्लास में हम पिछली क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एसटीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। एसटीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस के 12 टाइप को हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। जो सीरीज चल रही है एसटीएफ एलसीएम की, उसमें हमने 12 टाइप के क्वेश्चन को देख लिया। अगर आपने उन सारे वीडियोज को नहीं देखा तो वो वीडियोज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ जाके जरूर देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन की तरफ, जो ही बेहद आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने वाला पसंदीदा क्वेश्चन के रूप में भी है। हमने पिछले वीडियोस में ऐसे ही एक प्रकार का क्वेश्चन देखा था, लेकिन उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे अलग है। पिछला जो टाइप हमने देखा था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे किसी नंबर से डिवाइड करने पर शेषफल समान बचे। लेकिन यहाँ समान नहीं बचाना है, यहाँ शेषफल दो बचाना है। क्या करना है? दो बचाना है। क्या क्लियर? सिर्फ और सिर्फ शेषफल दो ही बचे, समान न बचे, शेषफल न बचे। क्लियर? यहाँ हम आपको देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछला वीडियो आपने देखा था, सबसे पहले हम जब छोटी छोटी संख्या पूछ ले तो डिवाइड करने पे शेषफल पूछेगा बचाना, तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसके एलसीएम निकालेंगे? चार छह जिसे डिवाइड करना है, चार छ आठ तथा बारह तथा सोलह। ठीक, क्लियर? चार छ आठ या बारह तथा सोलह, क्लियर? एक पॉइंट छोटा था। यहाँ पे देखिए, अभी आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कि आपको क्या करना है एलसीएम निकालने के लिए, सबसे बड़ी संख्या लेना है, यहाँ आपको समझ में आएगा। क्लियर? हर वीडियोज में, हर क्वेश्चन में, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ना काम करे, लेकिन 99% क्वेश्चन में वो ट्रिक काम करता है। क्लियर? अब यहाँ पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए डिवीजन मेथड से। सबसे पहले हम दो से डिवाइड करेंगे, दो दो में चार, दो तीन छः, दो चौके आठ, दो छक्का बारह, दो आठे सोलह, फिर दो से जाएगा, दो एकम दो, तीन को वैसे का वैसे उतारेंगे, फिर दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चौके आठ, फिर दो से जाएगा, कट रहा, दो एकम दो, तीन को वैसे, दो एकम दो, तीन को वैसे, तीन दो दूनी चार, फिर दो से जाएगा, और जो एक है उसको वैसे का वैसे उतारेंगे, जो दो से नहीं कटेगा उसे भी वैसे का वैसे उतारेंगे। अब इसके बाद हमारे पास कटेगा कैसे, तीन से, एक 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 एक, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोलह, तीन अड़तालीस। कितना है हमारा एलसीएम? दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े तीन, चार बार दो है, एक बार तीन, एक दो तीन चार तीन। क्लियर? दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोलह, तीन अड़तालीस। कितना हमारा हुआ एलसीएम? अड़तालीस, लेकिन ऑप्शन में तो अड़तालीस दिया है, अब आप यहाँ पे अड़तालीस मार्क चले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? यहाँ पे दिया है शेषफल कितना बचाना है, दो बचाना है, तो उस पे हम पहले आएंगे। लेकिन सबसे पहले हमने जो पिछले में क्वेश्चन में ट्रिक बताया था, क्या बताया था, कि जब भी आपको एलसीएम निकालना है उसको आपको क्या करना होगा, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसे लीजिएगा, उससे आप टेबल पढ़िएगा और देखते जाइएगा कौन से नंबर से कट रहा है, तो आपका एलसीएम हो जाएगा। सोलह सोलह एकदम सोलह, सोलह किससे नहीं कट रहा है, बारह से नहीं कट रहा है, एलसीएम नहीं होगा। दूसरा सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस किससे नहीं कट रहा, बारह से नहीं कट रहा, दूसरा भी आपका एलसीएम नहीं होगा। सोलह तीन अड़तालीस, अड़तालीस बारह से कटेगा, बारह चौक अड़तालीस कटेगा, अड़तालीस आठ से कटेगा, आठ से अड़तालीस कटेगा, अड़तालीस छः से कटेगा, छः आठ अड़तालीस कटेगा, अड़तालीस चार से कटेगा, बारह चौक अड़तालीस कटेगा, तो आपका एलसीएम कितना होगा, अड़तालीस। आपको इतना डिविजन मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ मन में देखना है सोलह कम सोलह, बारह से नहीं कट रहा है, इन सबसे तो कट रहा है लेकिन इससे नहीं कट रहा। क्लियर? सोलह नहीं होगा, सोलह दिन बत्तीस, बारह से नहीं कट रहा नहीं होगा, सोलह अड़तालीस सबसे कट रहा है, एलसीएम आपका आ गया। क्लियर? ये हुआ आपका एलसीएम निकालने का ट्रिक। जो भी बड़ी संख्या दिया है उसका आप टेबल पढ़ते जाइए, उससे आपका एलसीएम निकल जाएगा। अब यहाँ क्या कहता है, शेषफल समान दो बजे। क्लियर? यहाँ आपको सिर्फ क्या करना है, अपना दिमाग लगाना। क्या लगाना? दिमाग। दिमाग कैसे लगाएगा? आपका अगर दो बचाना है, आपको पता है अड़तालीस जो है उससे पूरा कट जाएगा, तो कितना रहेगा इससे ज्यादा कि दो बचेगा,
दो हम इसमें बढ़ा देंगे, दो बच जाएगा हमेशा 50। क्लियर? अगर 48 12 से पूरा कट रहा है, 12 चौक 48, अगर हम इसे 50 कर देंगे, दो शेषफल बच जाएगा। शेषफल कितना बचाना है हमको? दो बचाना है, बच जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हुआ? आंसर हमारा हुआ 50। क्लियर? अब 50 को देख लीजिए, 16 3 48 दो बचा, 12 चौक 48 दो बचा, 8 6 48 दो बचा, 6 8 48 दो बचा, 4 12 48 दो बचा। क्लियर? तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा शेषफल इतना बचे, तो आपको एलसीएम निकाल के जितना शेषफल आपको बचाना है उतना आपको क्या कर देना है, इसमें जोड़ देना है। अगर सभी में समान शेषफल हो तो, अलग अलग शेषफल होंगे तो उसका क्वेश्चन मैं आपको अगली बार बताऊंगा कि अलग अलग शेषफल होने पर आपको क्या करना है। अगर समान शेषफल हो तो क्या करना है? सिर्फ सिर्फ जोड़ देना है। कितना समान है? 2 समान है, 2 जोड़ दिए, अब सबसे डिवाइड करने पर 2 आपका शेषफल बचेगा। क्लियर? तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं हमारे पास, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और उम्मीद है कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे और टाइमली के टाइम के अंदर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।